नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संकट के बीच कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिल रही है। बता दें कि अब तेलंगाना के रंगारेड्डी के निजी कॉलेज में कोरोना विस्फोट हुआ है। दरअसल यहां 38 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इससे पहले वीरवार को तेलंगाना में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के 5 नए मामले सामने आए, जिसके चलते यहां इस स्वरूप के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 67 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में यह जानकारी दी। इस बीच राज्य में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 280 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,81,587 हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 4,021 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 206 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, जिससे राज्य में अभी तक संक्रमण के ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 6,73,999 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या अभी 3,563 है। तेलंगाना में बीते 24 घंटे के दौरान करीब 38,000 नमूनों की कोविड-19 जांच की गई। अब तक कुल 2.96 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। राज्य में मृत्यु दर 0.59%, जबकि संक्रमण से ठीक होने की दर 98.88% हो गई है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।